केंद्रीय सड़क राज्य मंत्री अजय टम्टा भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत के पैतृक गांव खूंट पहुंचे, जहां उन्होंने महान स्वतंत्रता सेनानी को पुष्पांजलि अर्पित की। पंडित गोविंद बल्लभ पंत, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, संयुक्त प्रांत के पहले प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत सरकार में गृह मंत्री रहे, उनकी जयंती पर गांव में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर स्कूली बच्चों और स्थानीय कलाकारों ने देशभक्ति गीतों और नृत्य की शानदार प्रस्तुतियां दी, जिससे माहौल को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे भारत के गौरव हैं। उनका योगदान देश की आज़ादी और राष्ट्र निर्माण में अमूल्य है और हमें उनकी विचारधारा से प्रेरणा लेनी चाहिए। अल्मोड़ा से नसीम अहमद की रिपोर्ट। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की इस जन्मस्थली में आज के जयंती के शुभ अवसर पर हम सभी लोग उनको याद करते हैं और हम सबका बहुत बड़ा गर्व है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और भारत की जो पहली सरकार बनने के बाद लगातार जो उनके प्रयास पूरे देश भर के लिए रहे, वो अपने आप में एक अनुकरणीय है। गोविंद बल्लभ पंत जी की जन्म शताब्दी वर्ष का ये इस प्रकार का वो कार्यक्रम मुझे लगता है कि संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है और वो एक प्रकार से हम लोग सौभाग्यवान हैं कि उनका ये जन्म स्थान मेरे संसदीय क्षेत्र में ही है। और उन्होंने बहुत सारे प्रयास, बहुत कठिनाइयों के बाद अपने इस पहाड़ी क्षेत्र से पूरे देश भर के अंदर, पूरे दुनिया भर के अंदर इस क्षेत्र का भी और हम सब का भी, पूरे भारत के अंदर गौरव बढ़ाया। ऐसे जन्म जयंती के शुभ अवसर पर हम सब लोग उनको अभिनंदन करते हैं, उनको बहुत याद करते हैं और एक प्रकार से कि वो हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में, जिन्होंने भारत माता के लिए अपने जीवन में लगातार संघर्ष किया, प्रयास किया और उसी का परिणाम है कि आज हम लोग स्वतंत्र भारत के अंदर जी रहे हैं। और जो भारत का सपना है कि विकसित भारत का जो संकल्प है 2047 का, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में उन सभी स्वतंत्रता वीर लोगों की जो इच्छा थी, शक्ति थी कि भारत जो है कि पूरा विश्व गुरु बने और भारत का प्रभाव पूरे दुनिया के अंदर हो, उस तरह से अभी हम लोग काम भी कर रहे हैं। उनके लिए अपने आप में एक सच्ची श्रद्धांजलि भी है।